डिपार्टमेंट का कोई उनके साथ मिला हुआ है। शरीर के साथ साथ बुद्धि भी छोटा हो गया। शैतान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद भी अजय देवगन की मैदान बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा डगमगा गई, जिस वजह से आने वाली अजय देवगन की फिल्मों का कैलेंडर ही चेंज हो गया। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अजय देवगन की शैतान ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी कमाई की, जबकि ये एक रीमेक फिल्म भी थी। हालांकि अजय देवगन की रीमेक फिल्में ही बहुत ज्यादा कमाल कर पाती, वही उसके ठीक एक महीने बाद आती है इनकी मैदान फिल्म, जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी और ये एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, साथ ही स्पोर्ट्स ड्रामा इमोशनल एंड बायोपिक फिल्म थी। फिर भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपना जलवा नहीं दिखा पाया, जिस वजह से आने वाली इनकी फिल्मों का कैलेंडर चेंज होते हुए दिख रहा है। शायद आपको पता हो या ना हो, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, 2024 की शुरुआत अजय देवगन की शैतान फिल्म से हुई, जो की ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। फिर इसके बाद अजय देवगन की मैदान फिल्म आई। हालांकि मैदान को जिस तरह से मेकर्स पोस्टपोन करते नजर आ रहे थे, उसको देखते हुए और अंदाजा लगाते हुए अजय देवगन की एक और फिल्म औरों में कहां दम था मूवी को मेकर्स ने अप्रैल में रिलीज करने का फैसला किया था, लेकिन मैदान की वजह से ही इस फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि मेकर्स को चाहिए थी औरों में कहां दम था मूवी के लिए बहुत ही अच्छी खासी वीकेंड, और किसी एक ही एक्टर का लगातार 2-3 फिल्में रिलीज होती है ना, तो ऑडियंस भी बोर हो जाती। इस वजह से फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट को बढ़ाने का फैसला किया, और अब ये फिल्म फाइनली अप्रैल में रिलीज ना होकर के 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। हालांकि इस फिल्म का टीजर भी आ चुका है, बहुत ही जल्द ट्रेलर भी आने वाला है, और हम सभी जानते हैं कि अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी हमेशा से बॉक्स ऑफिस पे कमाल करते नजर आई, और ऑडियंस को भरोसा भी है कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी कमाल करते नजर आएंगे। फिर इसके बाद से अजय देवगन की 2 फिल्में और भी रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसमें से एक है सिंघम अगेन, लेकिन इस फिल्म को भी बड़े बड़े फिल्मों से सामना करना पड़ेगा, जैसे इस फिल्म के ही रास्ते में आ रही है मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2। वहीं ऑडियंस के साथ साथ मेकर्स को भी काफी ज्यादा उम्मीद है अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन से, और यही नहीं ऑडियंस भी काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंघम अगेन से, क्योंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है, बहुत ही खतरनाक फिल्म होगी, एक्शन से भरपूर होगी। फिर इसके बाद से आने वाली है अजय देवगन की रेड 2। ये अभी तक अजय देवगन का कुछ खास नहीं रहा 2024 में इनके फिल्मों का परफॉर्मेंस, हालांकि आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि औरों में कहां दम था या फिर सिंघम अगेन या फिर रेड 2 बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल कर पाती है। वेल, आप इन फिल्मों को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना हिंदी सिनेमा से रिलेटेड अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए। बहुत जल्द मिलता है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।